In previous class, I had taught you the topic the king and the tree goddess in part 1 series. Today, I am going to teach you the same chapter in part 2 series. So, listen to me. The Prime Minister sent out 30 men, but they soon returned saying that though there were many great devdars in the kingdom, they could never carry or drag them over so much difficult country as lay between the forest and the city. कहता है कि हम लोग पिछले कथन पढ़े कि राजा ने अपने महल बनाने के लिए उसने प्लान बनाया कि जो सबसे लंबा ऊंचा जो कॉलम के माध्यम से बनाया जाएगा महल को, तो सबसे लंबा और ऊंचा में से उस आसपास में देवदार ट्री ही को ही वो सिलेक्ट किया और उसको लाने के लिए उसने अपने आदमियों को भेजा, लेकिन असफल रहा। कहता है कि प्राइम मिनिस्टर ने 30 व्यक्तियों को इस काम में लगाया, लेकिन उस देवदार ट्री को लाने में ये सारे लोग असमर्थ हो गए, वे उसे ला नहीं पाए। When the king heard this, he called his son and said, "Take your horsemen and with the help of your horses, bring me one of this tree." राजा ने जब ये सुना तो उसने अपने बेटे से कहा कि तुम घुड़सवारों को लेकर जाओ और उसे ने उस ट्री को लेकर के यहाँ आओ। The prince rode out with the horsemen but returned after a few days saying, "No horses could move such a tree an inch. We have tried oxen too but without any success." तब राजकुमार ने कहा कि उसे लाने में उसने सारे हॉर्स को लगा दिया लेकिन उसे एक इंच भी नहीं हिला सका, यहाँ तक कि उसने बैल को भी लगाया लेकिन वह असफल रहा। When then try elephants, said the king, राजा ने कहा क्यों नहीं उसमें हाथी को लगाया जाए। Elephants were brought from the plants, but the hills were too steep for them and the paths too narrow. They had to return to the valley. लेकिन वो रास्ता बहुत ही संकीर्ण था, नैरो था, इसलिए उस हाथी को भी उस लाने में असमर्थ रहा। Very well, said the king angrily, in one of the my park you must find me a tree just as big as any in the forest, bring it to me within 7 days. और राजा गुस्सा होकर कहा कि एनी हाउ उस ट्री को तुम्हें 7 दिन के अंदर मंगवाना है, और राजा का आदेश पाकर के आफ्टर मच सर्चिंग द किंग्स मैन फाउंड ए स्प्लेंडेड देवदार ट्री ग्रोइंग नॉट फार फ्रॉम द सिटी। इट वॉज वर्शिप्ड बाय द पीपुल ऑफ मैनी विलेज अराउंड अबाउट बिकॉज विद इन इट लिव्ड ए गॉडेस एंड इट वॉज सी हु गेव टू द ट्री टू ग्रेट स्ट्रेंथ साइज एंड ब्यूटी। राजा के आदमी अथक प्रयास के बाद वे पहुंचे तो देख क्या रहे हैं कि कुछ लोग जो हैं एक देवदार ट्री की पूजा कर रहे हैं, ठीक है, और उन लोगों का मानना था कि देवदार ट्री में भगवान का वास होता है, उनका स्थान होता है, और इस कारण से उन्हें लाने में असमर्थ होती है। ये उन लोगों को सुनने को मिला था, लेकिन राजा का आदेश था, फिर भी वे लोग उसका पालन करने के लिए निकल पड़े थे। ठीक है बच्चों, आज के सीरीज में मैं इतना ही पढ़ा रहा हूँ, बाकी नेक्स्ट क्लास में बताया जाएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।